तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? मिस्टर दिनेश ओन्स एन एग्रीकल्चर फार्म एट विलेज तलवेल, यानी दिनेश नाम का एक मिस्टर है, उसने क्या किया है, तो एक खेती खरीदी है तलवेल गांव के पास में। तो लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड। अब मान लो कुछ ब्रेड्स होगी एक्स, तो लेंथ क्या है 2x प्लस 10 है। इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वॉटर ही डग अ स्क्वायर शेप पॉन्ड इनसाइड अ फार्म। अब पानी देने के लिए खेती को उसने एक चौकोन गड्ढा खोदा, तालाब खोला, ऐसा समझ में आते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं। द साइड ऑफ पॉन्ड इज 1/3 ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द फार्म। अब ये जो स्क्वायर वाला जो पॉन्ड है उसकी साइड कितनी है, तो जो ब्रेड के 1/3 है। एंड एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड, और फार्म का एरिया कितना है 20 टाइम्स एरिया ऑफ पॉन्ड है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ फार्म एंड द पॉन्ड, ये हमको बोला गया है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो डेटा है हमारा इसको लिख लेते हैं, ठीक है, हाँ आ गया बराबर। अब तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट लेट ब्रेड्थ ऑफ फार्म इज एक्स एंड लेंथ कितनी आएगी बेटा, तो वो 10 + 2x बोली है, ठीक है, 10 + 2x, ठीक है। अब एरिया ऑफ फार्म कितना आएगा, एरिया ऑफ फार्म कितना आएगा, x इंटू 10 + 2x आएगा, ठीक है, फार्म, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, साइड ऑफ पॉन्ड, ठीक है, तो साइड ऑफ पॉन्ड कितनी है, तो 1/3। अब हम क्या लिखेंगे, साइड ऑफ पॉन्ड, साइड ऑफ पॉन्ड कितनी है, तो x 3/4 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पॉन्ड कितना आएगा, एरिया ऑफ पॉन्ड कितना आएगा, तो वो आएगा x 3 इंटू x 3, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर में है इसलिए, तो साइड इंटू साइड हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, x स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ फार्म, ठीक है, अब ये जो एरिया है ये क्या है, 20 टाइम्स एरिया ऑफ पॉन्ड, यानी x इंटू 10 + 2x इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स स्क्वायर 9 है, ठीक है। और हमको बोला है लेंथ और ब्रेड्थ निकालो, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो x इंटू 10 कितना आएगा, 10x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 20x स्क्वायर अपॉन 9, तो ये कितना आता है, तो ये आता है भाई 90x प्लस 18x स्क्वायर इज इक्वल टू 20x स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको इधर कर लेंगे, तो 90x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो भाई x और x मार डालेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा 2x, तो x कितना रहा है 45, x कितना आया 45। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं सॉल्व किया है, हालांकि आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, 2x स्क्वायर प्लस 90x प्लस इज इक्वल टू 0 लिख दो, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी आई 45, यानी ब्रेड्थ ऑफ फार्म कितना आ गया 45, मीटर है सेंटीमीटर है, ठीक है, मीटर है मीटर, ठीक है। और लेंथ कितनी आ गई, 10 + 45 इंटू 2 कितना आता है, 10 + 90 कितना आता है 100 मीटर, ठीक है। अरे यार फिर से कट गया, तो लेंथ कितनी आ गई है 100 मीटर, और ये कितना आ गया, सॉरी निकालना क्या था अपने को, ठीक है, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ फार्म एंड ऑफ द पॉन्ड। अब ये जो फार्म की लेंथ और ब्रेड्थ तो निकल गई, अब क्या है भैया हमको पॉन्ड की भी निकालनी है, तो पॉन्ड की कितनी आएगी 45/3, ठीक है, साइड ऑफ पॉन्ड। अब ये स्क्वायर है तो दोनों एक ही आएगा,
नौ आठ कितना आता, तीन इकती न तीन पांच पंद्रह, तो ये कितना आता 15 मीटर। तो लेंथ एंड ब्रेड कितना आएगा 15 मीटर आएगा पॉन्ड का, और ये किसका आ गया, तो ये आ गया आपका फार्म का। तो आप यहां पर सिस्टमेटिकली लिख सकते हो कि ब्रेड ऑफ पॉन्ड इज 45 मीटर एंड लेंथ ऑफ पॉन्ड इज 100 मीटर एंड दैट दैट साइड ऑफ पॉन्ड सॉरी फार्म, ये तो फार्म है ना, ये फार्म है, फार्म फार्म साइड ऑफ पॉन्ड इज 15 मीटर। ठीक है, ओके।